हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू में। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज से। केवीएस पीआरटी ईवीएस की जो सीरीज में मैंने आपको चला रखी है, उसका सिलेबस हाफ से ज्यादा मैंने कवर करा दिया है, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज मैं करा रही हूँ आपको नेचुरल डिजास्टर्स या फिर नेचुरल कैलामिटीज का जो पार्ट थ्री है। इसमें इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, उनको आप देख लेना। और पूरी जो केवीएस पीआरटी ईवीएस की प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लें, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं। देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो हो जाता है कई बार हमसे चीजें छूट जाती हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब आपकी क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें वैसे भी कवर हो जाएंगी, कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। सो होपफुली आपका सिलेबस जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अपनी सेल्फ स्टडी को आप जारी रखें, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, सीबीएसई की अगर बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रखिए, ताकि आपके जितने भी लूप होल्स हो ना वो कवर हो जाए आपकी, ठीक है, गैप्स कवर हो जाए। आज की वीडियो में हम दो नेचुरल कैलामिटीज के बारे में बात करेंगे, फ्लड्स और ड्रॉट्स के बारे में, यानी कि बाढ़ और सूखे के बारे में। दोनों आपस में थोड़ी सी मतलब ये कह दीजिए ऑपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन दोनों को हम साथ साथ ही कवर करेंगे। इनकी डिटेल्स क्यों होती हैं, कॉजेस क्या होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं ज्यादा होती हैं, है ना, क्या क्या इनके इम्पैक्ट होते हैं, इनको सारी कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक बार सिलेबस की तरफ ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो केवीएस पीआरटी के लिए पहले दिया गया था। अभी वैसे सिलेबस चेंज होने के ज्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, फिर भी अगर हो जाएगा बाय चांस तो देखेंगे उसको भी, लेकिन फिलहाल हम पुराने सिलेबस के बेस पे तैयारी अपनी जारी रखेंगे। सो देखिए, ये है नेचुरल कैलामिटीज। इससे पहले का जो इतना पोर्शन है ये मैं कवर करा चुकी हूँ। ये सारी वीडियोज जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, केवीएस पीआरटी ईवीएस की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो नेचुरल कैलामिटीज के दो पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको तीसरा पार्ट करा रही हूँ, और इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा, और उसमें फिर आपका नेचुरल कैलामिटीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी एक टॉपिक में स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद जस्ट ये चीजें रह जाएंगी जिनको भी मैं होपफुली कवर करूंगी जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बेसिकली आज के टॉपिक से। सो फ्लड्स को बेसिकली हिंदी में बाढ़ बोलते हैं, और बाढ़ जो है बहुत ही कॉमन चीज है जो आप सभी ने सुना होगा। एक पर्टिकुलर टाइम होता है एक साल में, मतलब जगह जगह पर डिपेंड करता है, मतलब फिजिकल लोकेशन क्या है किसी भी प्लेस की। तो आप हमेशा अखबारों में, न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है, वहां पर बाढ़ आ गई है। अभी कुछ दिन पहले असम में बाढ़ की पिक्चर्स आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर। सो बाढ़ जो है बहुत ही कॉमन नेचुरल कैलामिटी है, और इसके जो कारण होते हैं वो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि हाँ पे इस एरिया में पूरी पूरी संभावनाएं हैं बाढ़ आने की, तो मैं थोड़ा सा पहले ही आप इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फ्लड जो है उसके मैन मेड कारण बहुत सारे होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं फ्लड्स में, बाढ़ आने के उस पीछे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, जब बाढ़ आती है, कोई भी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होता है, सबको पता है कि पानी जो है, अगर जीने के लिए पानी की जरूरत है, तो मतलब कह सकते हैं कि बाढ़ जो है इस तरह का पानी है जो जिंदगी को तहस नहस कर देता है। सो बेसिकली फ्लड्स कहते किसको हैं, तो नहरों में पानी के बढ़ने से भूमि और मानव बस्तियों का जलमग्न होना, उसका रिसाव बाढ़ की स्थिति को प्रस्तुत करता है। बेसिकली जो बहुत सारा पानी जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, रिहायशी बस्तियों में या फिर खेतों में, कहीं भी बहुत ज्यादा मात्रा में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, और इतना होता है कि वो ना तो घट रहा है, और इवन जो घर घर होते हैं जान माल की, जिसमें नुकसान होता है, इतना पानी होता है कि जो आपके डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको करने नहीं देता है बेसिकली, तब जो है फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है। एक तो होता है कि बहुत भारी बारिश आ रही है, पानी इकट्ठा होता जा रहा है, लेकिन वो पानी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पानी जो धीरे धीरे छटता चला जाता है। लेकिन बाढ़ ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो पानी जो है वो रुका रहता है, बहुत दिन तक रुका रहता है, और उसे सारी जिंदगी जो है वो तहस नहस हो जाती है। बेसिकली आपकी भूमि हो गई, आपके फॉरेस्ट हो गए, आपकी मानव बस्तियां जो है वो एक तरह से जलमग्न हो जाती है, मतलब उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। यानी कि इकट्ठा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहता नहीं है बिल्कुल भी, ऑब्वियसली जब नदियां अपने उफान पर होती हैं तो इतना पानी लेकर आती हैं नीचे की तरफ कि वो बहती रहती है, लेकिन जब तक वो पानी मतलब कहते हैं ना कि कहीं चला नहीं जाता, तब तक जो है वहां पर पानी अपनी पोजिशन पे बना रहता है, वो हाई लेवल उसका बना रहता है। तो ये फ्लड की सिचुएशन होती है। अब देखिए, फ्लड के जो है बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा टाइप ऑफ फ्लड्स को जान लेते हैं कि जो बाढ़ है उसके कितनी श्रेणियों में हम उसको बांट सकते हैं। तो अगर हम अधिकांश बाढ़ को जो है श्रेणियों में आके, तो बेसिकली तीन जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें हम इसको आंक सकते हैं। पहली होती है रिवरिन फ्लडिंग, यानी कि जो नदी बाढ़ होती है, नदी के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है। सेकंड है आपकी तटीय बाढ़, यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जब उसकी वजह से आपके
जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ आ जाती है। उसके बाद आती है शेलो फ्लडिंग, यानी कि उथली हुई बाढ़। अब इनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डीप में जाने की, बस यही कैटेगरीज को आपका पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस तरह की फ्लडिंग है और इसमें बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक वाटर शेड्स होते हैं। वाटर शेड्स मतलब जहां पर बेसिकली आपका पानी जो है इकट्ठा होता है आकर, मान लीजिए बारिश का पानी है या कहीं से बहता हुआ पानी है, एक कॉमन पॉइंट के थ्रू जो है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इस वाटर शेड के अंदर पानी बहुत तरीकों से आता है, या तो आपकी नदियां लेकर आती हैं, ठीक है, उसके बाद या फिर आपकी छोटी छोटी धाराएं होती हैं वो आती है, यहाँ पर डिचेस होती हैं वो आपके पानी लेकर आते हैं, तो वाटर शेड के अंदर जो है पानी इकट्ठा होता रहता है इस तरह से। लेकिन क्या होता है, मोस्टली जो नदियां होती हैं वो आपको पता है कि नदियां जो है पहाड़ों से निकलती हैं, वहां से बहती हुई आती हैं, तो वहां पर ज्यादा जब रेनफॉल होता है तो नदियों में उफान आ जाता है, और कई बार इतना ज्यादा रेनफॉल होता है कि वो नदियां जो है बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं, तो वो जहां से भी गुजरती जाएंगी वहां पर जो है बाढ़ लेकर आएंगी। तो इस तरह की बाढ़ को ही हम जो कहते हैं, इन चैनल्स के थ्रू जो बाढ़ आती है उस तरह की बाढ़ को हम बोलते हैं रिवर एंड फ्लडिंग्स, ठीक है। क्योंकि मोस्टली रिवर्स जो है वो आप जानते हैं कि नदियों के तट के आसपास जो है शहरी बस्तियां होती है, मतलब बस्तियां होती है, लोग रहते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां पर जब जान माल के नुकसान होने लगता है उस नदी के उफान की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि वो एक बाढ़ की स्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोस्टल फ्लडिंग, यानी कि तटीय इलाके जो होते हैं, तटीय जैसे कि आपके ईस्टर्न, आप सकते हैं ईस्टर्न आपके कोस्ट है या फिर वेस्टर्न कोस्ट है, अगर हम इंडिया की बात करें बेसिकली, अगर इंडिया के मैप को हम देखें तो इधर हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और इधर हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, तो सभी समुद्र तट के किनारे जो शहर बसे हुए होते हैं उनको बाढ़ का थोड़ा सा खतरा होता है ड्यू टू कोस्टल फ्लडिंग, ठीक है। अब देखिए, कोस्टल फ्लडिंग के कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं और साथ ही साथ इसके ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि मैन मेड रीजंस भी होते हैं, यानी कि इंसानों की वजह से या मानव बस्तियों की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आपको पता है कि समुद्र होता है कोस्ट के, मतलब ऑब्वियसली तट वहीं पर होता है जहां पर समुद्र होता है, तो समुद्र के अंदर भी हमारी कुछ एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जैसे हम सी चैनल्स बनाते हैं, सी चैनल्स को बनाते वक्त भी जो है ये कोस्टल फ्लडिंग का एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ अगर नेचुरल देखें तो वहां की सॉइल कैसी है, वहां की सॉइल का साइज कैसा है, साथ ही साथ सुनामीज जो होती हैं, आपने मुंबई की सुनामी को आपको याद होगी, जब सुनामी आई थी भारत में, तो ये जो सुनामी हो गई या फिर आपके जो और भी नेचुरल रीजंस हो गए, मान लीजिए कोई समुद्र के अंदर ही कोई वोल्केनो फट जाता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि तटीय फ्लडिंग जो है वो हो सकती है, यानी कि कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे शैलो फ्लडिंग की। शैलो फ्लडिंग जैसे उथली हुई बाढ़, यानी ये एक प्रॉपर बाढ़ नहीं होती, मान लीजिए जो अर्बन एरियाज है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ, अर्बन एरियाज में हमारे ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारी नालियां बहती रहती हैं घरों के आसपास, साथ ही साथ सीवर्स होते हैं, तो इनमें जब पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो मीन्स जब उसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कई बार पिट्स जो है वो ओपन रहती हैं, तो उस तरीके से जो शैलो उथली हुई जो थोड़ी सी बाढ़ आती है, गलियों में पानी भर जाता है, तो इसको भी हम फ्लडिंग का एक रीजन मान सकते हैं, काफी दिनों तक अगर ये परसिस्ट करती है वहां पर, तो कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की उथली हुई बाढ़ का रीजन हो सकती है। तो ये मोस्टली बेसिक कुछ मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, अदरवाइज तो अगर मैं कहूँ तो सबसे डेंजरस हमें पता है रिवर एंड फ्लडिंग्स होती हैं, जो चैनल्स के थ्रू होती हैं, चाहे वो चैनल्स किसी धारा के थ्रू हो, नदी के थ्रू हो, इनके थ्रू हो जाती है। हाँ, शैलो फ्लडिंग जो है किसी तालाब के थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज हो गए या फिर हमारे रूरल एरियाज हो गए, वहां पे क्या होता है ना कि कुछ टेम्परेरी पॉन्ड्स होते हैं, कुछ मतलब तालाब होते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे बनाए जाते हैं, कई बार इन तालाब में जो है पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, कई एक्सेस रेन की वजह से कह लीजिए, या फिर कई बार क्या होता है सीवर का पानी होता है या फिर कई चीजों का पानी जो है जाकर इन तालाबों में मिलता है, तो उसके कारण भी जो है इनमें फ्लडिंग हो सकती है, आसपास के एरिया को ये इफेक्ट कर सकते हैं अच्छे खासे तरीके से। तो ये तरह होगी आपकी फ्लडिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लडिंग के बारे में। अब देखते हैं हम कि बाढ़ के जो है वो कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ फ्लड। वैसे तो आम कारण आप सभी को पता होंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो है एक स्ट्रॉम सर्ज हो जाए कोस्टल एरियाज में, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, तो इसके कारण भी फ्लडिंग हो सकती है, जो मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल फॉर ए कंसिडरेबली लॉन्गर टाइम पीरियड, यानी कि जब काफी लंबी अवधि के लिए जो है उच्च तीव्रता की वर्षा हो, ठीक है, जैसे कि असम हो गया, यहाँ पे बहुत बारिश होती है ना, कई ऐसे रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। साथ ही साथ माउंटेन्स की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो जब पहाड़ों में लैंडस्लाइड होती है, बारिश होती है, बादल फट जाते हैं, तो कई बार क्या होता है नदियों का पानी उफान पर होता है। केदारनाथ धाम की आपने बात सुनी होगी, उस टाइम पे कितना ज्यादा वहां पर रेनफॉल हुआ था, उसकी वजह से जो आसपास के इलाके थे वहां पर पानी आई थी, वहां पर भी एक बाढ़ की सिचुएशन ही थी, वो भी जो त्रासदी थी 2013 की केदारनाथ की, तो वो भी आप उसको भी एक फ्लडिंग का पार्ट मान सकते हैं, तो वो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, क्योंकि हमें पता है हमारे ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए आप, या फिर जो भी है,
तो इन सब की वजह से जो है जब आइस का बहुत तेजी से पिघलना होता है तो ऑब्वियसली वो आइस का पानी पिघल कर नदियों में जाता है, नदियां फिर उफान पर आती हैं और बाढ़ लेकर आ जाती हैं। रिडक्शन इन इनफिल्ट्रेशन रेट, देखो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, रिसाव की दर, क्योंकि हम सबको पता है जब भी पानी बहुत तेज बारिश होती है, सपोज आप दिल्ली में ही रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तो वहां पर जब बहुत तेज बारिश होती है तो आसपास के इलाकों में एकदम से पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, आपके मतलब कह सकते हो घुटने तक पानी भी कई जगह पर भर जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे पानी अपने आप गायब हो जाता है। वो क्यों गायब होता है, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेशन रेट होती है ग्राउंड वाटर में उसके जाने की जो कैपेसिटी होती है, वहां की मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है कि वो कितना पानी रिस रिस कर मिट्टी के अंदर कितना जल्दी जाता है, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मिट्टी जो है वहां की या फिर वहां पर जो एब्जॉर्प्शन जो हमने ग्राउंड वाटर के लिए वहां पर फैसिलिटीज कर रखी है गवर्नमेंट ने, अगर वहां पर इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होती चली जाती है तो सिचुएशन यह हो जाती है कि जो बाहर का पानी है वो नीचे नहीं जा पाता है जमीन के और वो ऊपर ही रहता है, तो वो रहेगा तो वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन द वाटर ड्यू टू हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन, क्योंकि आपको पता है मिट्टी का कटाव जो है ऊपरी परत, सॉरी सॉइल इरोजन क्या होता है, हमारी जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की उसका कटाव बहुत तेजी से होता है, ठीक है, तो वो मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो प्लांट्स के लिए कह लीजिए चाहे वो बाढ़ को रोकने का काम करती है, तो जब इसमें भी हाई मतलब ये कह लो कि आपकी सॉइल इरोजन जब बहुत ज्यादा तेजी मात्रा में होता है तो वहां पर भी उस जो एरिया जो होता है वहां पर भी जो है आपके बाढ़ आने की सिचुएशन रहती है। इसको सॉइल इरोजन को बोलते हैं मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव भी कह सकते हो सिंपल भाषा में, उसकी उच्च दर के कारण जल में अपरदित पदार्थों की उपस्थिति होती है जिसके कारण भी बाढ़ की सिचुएशन जो है आपकी आ सकती है। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, है ना, ह्यूमन मेड फैक्टर्स, जो हम डैम्स बना लेते हैं, डैम्स देखो डैम्स वैसे आप कहते हैं कि हाँ भाई हमें प्रोग्रेस करनी है हमें डैम्स की जरूरत होती है, लेकिन जो डैम्स बनते हैं हमारे, है ना, बांध जो बनते हैं वो बहुत जगह पर बांध कई बार टूट जाते हैं, है ना, उनका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाता है, कई बार क्या होता है कि हम बांध का काम शुरू कर देते हैं फिर वो सालों सालों तक अटका हुआ रहता है, उसके कारण भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी हैं जो बाढ़ की सिचुएशन लेकर आते हैं। साथ ही साथ जो नदियों है, नदियों में क्या होता है, आप देखिए नदियों की जो गाद होती है उसको छाटने का काम होता है, खनन माफिया जो होते हैं खनन करते हैं नदियों के उसका बेस का भी, तो उसके कारण भी बाढ़ के जो है खतरे हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि जब भी आप नेचुरल किसी चीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपदा के रूप में आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस थे फ्लड के। अब देखो मैंने ह्यूमन फैक्टर्स यहाँ पर अलग से लिखे हैं आप लोगों के लिए, देख लेते हैं इसमें क्या है। अंधाधुंध वनों की कटाई, हिंदी में बोलूंगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी में नहीं बोलते हो, है ना, वैसे मैंने इसमें सारी स्लाइड जो है हिंदी में की हुई है। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जो पेड़ है आपके वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, मिट्टी जैसे ही वहां से गायब होगी, मतलब पेड़ आप गायब करेंगे तो ऑब्वियसली पेड़ रहेंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, तो वहां पर सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाएगा अगर आप वन ही नहीं रखेंगे। सॉइल इरोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा खतरा है कि आपका जो पानी है वो नीचे नहीं जा पाएगा ग्राउंड वाटर, वो बाहर ही फैलता रहेगा और उससे बाढ़ आने की सिचुएशन है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां होती हैं, हम जो है बिना अनसाइंटिफिक चीजों का जब यूज करते हैं एग्रीकल्चर में तो उससे क्या होता है कि हम वहां की सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिस्टर्ब करते हैं और इससे भी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हीट फ्लड का एक कारण हो सकती है। प्राकृतिक जल निकासी चैनलों के साथ गड़बड़ी और बाढ़ के मैदानों और नदी तलों का उपनिवेशीकरण कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं, जो मैंने कहा ना कि आपके नदी के तलों से जो खनन होता है वो एक बहुत बड़ा है, फिर आपके जो बांध है या फिर निकासी चैनल्स कौन कौन से होती है, छोटी छोटी धाराएं जब बहती हैं हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पहाड़ों से बहुत सारी धाराएं बहती हैं, प्लेन एरियाज में जो नदियां बहती हैं उनको हम उनके नदी के जो रास्ता होता है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके कारण भी बाढ़ आती है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं इनकी वजह से भी क्या होता है कि बाढ़ आने की खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लड प्रोन एरियाज कौन कौन से, अगर हम इंडिया की बात करें, देखो अगर हम अपनी पूरी कंट्री की बात करें तो इसमें 4 करोड़ हेक्टेयर एरिया जो है हमारी कंट्री का वो फ्लड प्रोन है। फ्लड प्रोन का मतलब होता है कि वहां पर फ्लड आने की बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, जो पूरे एरिया का 1/8 हिस्सा है, यानी कि 1/8 हिस्सा है ये पूरे एरिया का। द मोस्ट फ्लड प्रोन एरियाज आर ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस बेसिन, तो यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु घाटी जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर आती है। और जहां तक राज्यों का संबंध है तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, इसके बाद हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश भी है। इसके अलावा असम भी मैं कहूंगी, असम में भी बाढ़ आपको हर साल आने का आपका रहता है, ऑब्वियसली तो नोट्स उठाए हुए मैंने, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे लगता है असम में भी बाढ़ ऑलमोस्ट हर साल आती है। बिहार तो ऑब्वियसली है ही है क्योंकि हम बिहार में कितना सुनते हैं कि बाढ़ आई हुई है, आप में से जो लोग होंगे पश्चिम बंगाल से कहीं भी उन सबको इस सिचुएशन का ज्यादा पता होगा। आजकल राजस्थान और गुजरात में भी बाढ़ का कहर छाया हुआ है, कर्नाटक और महाराष्ट्र अब बाढ़ से छूते नहीं रहे हैं, मतलब बेसिकली ये जो मोस्टली स्टेट्स हैं जो नदियों के किनारे बसे होते हैं उनको ज्यादा खतरा भी रहता है, साथ ही साथ जो आपके माउंटेन्स में रीजन्स होते हैं जो बेसिकली
कह सकते हैं नदी के किनारे बसे होते हैं। एक तो आप पहाड़ों में ऊपर रहते हैं, लेकिन एक होता है जमीन के पास जो रहते हैं, तो नदी में जैसे उफान होता है वहां पर भी बाढ़ जो है वो ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है। ओके, उसके बाद फ्लड कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं, बाढ़ को आप नियंत्रित किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बात कर सकते हैं। रिजर्वर्स, तो देखो रिजर्वर्स क्या होते हैं, जलाशय बनाना, बाय कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वर्स इन द कोर्सेज ऑफ रिवर कुड स्टोर्स एक्स्ट्रा वाटर एट द टाइम ऑफ फ्लड शुड मेजर सच मेजर्स अडॉप्टेड टिल नाउ हाउएवर हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। देखो नदियों के प्रवाह में जलाशयों का निर्माण कर बाढ़ के समय अतिरिक्त जल का संचय किया जा सकता है, लेकिन वही है ना, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, आपका जलाशय जो है हो सकता है कि इतना कैपेबल ना हो कि वो इतने वाटर को अकोमोडेट कर पाए, तो ये भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन रिजर्व जलाशय बनाना एक ऑप्शन हो सकता है बाढ़ को कंट्रोल करने का। उसके बाद है एम्बाकमेंट यानी कि तटबंध बनाना, बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का निर्माण कर बाढ़ के पानी को किनारे से बहने और आसपास के क्षेत्रों में फैलने से नियंत्रित हम कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली के पास यमुना पर तटबंधों का निर्माण बाढ़ को नियंत्रित करने में सफल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये एक एग्जांपल है जैसे बताने के लिए कि तटबंध बनाए जा सकते हैं जिससे हम बाढ़ के पानी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन, यानी कि वही मैंने आपको कहा कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, वन रोपण करना बहुत जरूरी है, नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर बाढ़ के प्रकोप को जो है वो कम किया जा सकता है। उसके बाद है रीस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम, जो आपका ओरिजिनल यानी कि मूल जल निकासी प्रणाली होती है जहां से आपका वेस्ट जल हो गया है, फिर जो भी जल है वो बह रहा है उसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें, है ना, जल निकासी प्रणाली आमतौर पर सड़कों नहरों रेलवे पटरियों आदि के निर्माण से बाधित हो रही है, क्योंकि जब आप ये ह्यूमन रिसोर्सेस जो है ह्यूमन मेड चीजें बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज में क्या करते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल चीजें हैं हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके डिस्टर्बेंस होगी तो ऑब्वियसली ह्यूमन है ना, हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे, तो नेचुरल चीजों को जितना नेचुरल रहने दिया जाए वो बेटर है। कि आप जब रेलवे की पटरियां बिछा रहे हैं, आप नहरें बना रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं जो एक्चुअल में जो वाटर का सिस्टम होता है, मतलब नेचुरल रूप से जो पानी बहता रहता है, हम उसको मोड़ देते हैं किसी और डायरेक्शन में, उसको बंद कर देते हैं, तो उस सिचुएशन को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि जल निकासी प्रणाली का मूल रूप बहाल किया जाता है तो बाढ़ की जांच की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपने सुना होगा वेटलैंड्स, बेसिकली वेटलैंड्स या फिर इनको हिंदी में आप कह सकते हैं आद्र भूमि कह सकते हैं आप। देखो आद्र भूमि जो वेटलैंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली ये फ्लड को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे तरह से इफेक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली वेटलैंड जैसे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा जो है उसका, उसके पास के जो वेटलैंड्स है, इसके अलावा और भी जगह पे वेटलैंड्स होते हैं जो दलदली एरिया होता है। बेसिकली दलदली एरिया में क्या होता है वो पानी को होल्ड करके रख सकता है और वहां की जो मिट्टी है वो भी पानी को अब्सॉर्ब करके रखती है, साथ ही साथ वो बाढ़ को आने से बहुत ज्यादा रोकता है। तो वेटलैंड्स जो है हमारे जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं, हमारे जो नेचुरल आर्द्र भूमियां हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अगेन वही वाली बात है। तो वेटलैंड्स को जितना हम प्रिजर्व करके रखेंगे उतना ही हम बाढ़ के खतरों से बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये थे फ्लड कंट्रोल मेजर्स। अब चलते हैं सूखे पर यानी कि ड्रॉट्स। बेसिकली ड्रॉट पे आप सबको पता है बिल्कुल ऑपोजिट है, फ्लड में तो हमें बहुत सारा पानी मिल जाता है, मतलब जो जिंदगी को तहस नहस करता है, तो यहाँ पर पानी के बिना जिंदगी तहस नहस हो जाती है। दोनों ही चीजें एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मौसम विज्ञानियों के अनुसार एक बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि के दौरान वर्षा की कमी को हम सूखा कहते हैं। जब ऐसा होता है कि बहुत, मान लीजिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बारिश ही नहीं हो रही है, और इंडिया में तो ऐसा हाल है कि अगर 1 साल भी बारिश ना हो तो वहां पर 1 साल क्या, मतलब जो मानसून का एरिया होता है, मतलब मानसून का जो टाइम पीरियड होता है, अगर उस मानसून के टाइम पीरियड में बारिश ना हो तो यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं वहां पर सूखे जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं। और दूसरी एक चीज ये भी है कि हमारा ग्राउंड वाटर यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी कि एग्जैक्टली उसकी मीनिंग हिंदी में नहीं निकाल पा रही हूँ, तो ग्राउंड वाटर जो है वो जितना ज्यादा हमारा कम होता जाएगा, आप समझ लीजिए हम पानी से जो है, पानी आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हमें मिलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत महंगा हमें पानी मिलने वाला है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी जो है वो डिसअपीयर होता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए छोड़िए उस चीज को, छोड़ देते हैं अभी। तो जब बहुत लंबी अवधि के दौरान वर्षा की कमी होती है तो उस एरिया में जब पानी ही नहीं आएगा तो आपकी जो भूमि है वो बिल्कुल सूख जाती है, सूख के उसमें दरारें पड़ जाती हैं, वो ऐसी सिचुएशन को दिखाता है कि वहां पर सूखा आया हुआ है। सूखा तब भी आ सकता है जब भूजल स्तर कृषि समुदाय की पहुंच के भीतर न हो, यानी कि जब हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बेसिकली हमारी जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं, जो कृषि है, जो खेती करते हैं, उन तक अगर वो वाटर लेवल अवेलेबल ना हो तो भी आप कह सकते हैं कि वहां पर सूखा है। The government also declares an area affected by drought if more than 50% crop loss happens in an area due to meteorological
कंडीशन, यानी कि आपकी बेसिकली मौसम संबंधित स्थिति के कारण जब 50% से अधिक फसल का अगर आपको नुकसान हो उस पर्टिकुलर ईयर में, तो भी हम कह सकते हैं कि वहां पर सूखा है। देखो, सूखे का और किसानों के साथ या फिर कृषि के साथ इसका बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि अगर सूखा होगा तो कृषि की पैदावार नहीं होगी या फिर कम होगी या बिल्कुल होगी ही नहीं, और इसके कारण जो है आपके डायरेक्ट आपकी किसानों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करेगा और साथ ही साथ हम लोगों को भी इफेक्ट करेगा। तो सूखा इंडिया में तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकती है अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो। ओके, सो ये होती है आपकी सूखे की सिचुएशन। अब कॉजेस क्या होते हैं ड्रॉट के, यानी कि सूखा क्यों आता है, उसके कारण को देखते हैं एक बार। भारत में सूखे का प्रमुख कारण वर्षा की कमी है, क्योंकि अगर वर्षा जो है टाइम पे नहीं होती है, जैसे मैं जो मेरा एक पर्टिकुलर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि जब हम छोटे थे उस टाइम पे बहुत बारिश आती थी, तो जून के महीने से स्टार्ट हो जाती थी बारिश और काफी लंबी चलती थी अगस्त तक। लेकिन अब जब हम जितने बड़े होते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं कि साल दर साल जो है वर्षा में बहुत कमी हो रही है। मतलब आप कह लीजिए जुलाई के मिड में बारिश स्टार्ट होती है और मिड में स्टार्ट होने के बाद भी वो इतनी नहीं होती, या फिर किसी किसी साल इतनी ज्यादा हो जाती है, किसी किसी साल बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वर्षा में ये जो अनियमितताएं आ रही हैं कि इरेगुलर चीजें जो हो रही है वर्षा में, तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है भारत में सूखे का। लेकिन मनुष्य ने अपनी गतिविधियों से पर्यावरण प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया है, उसके कारण भी ड्रॉट्स जो है वो बढ़ गया है। लोगों ने तालाब और झीलों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भर दिया है, उन्होंने वनस्पति आवरण को नष्ट कर दिया है। सॉरी, इसमें भर दिया आ गया है, लेकिन मतलब इन्होंने तालाब और झीलों को भी नष्ट कर दिया है, ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, इनको भी जो धीरे धीरे जो है हम खत्म करते जा रहे हैं, फिर इनका पानी बिल्कुल गंदा करते जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए क्या होता है ना कि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी नहीं कहती हूँ कि हमें ग्राउंड वाटर को सेव करना बहुत जरूरी है, अगर ग्राउंड वाटर जो खत्म होता चला जाएगा तो नीचे भी पानी रहेगा। पहले तो हम ये था कि हम डिपेंडेंट थे कि ऊपर पानी नहीं है तो जमीन के नीचे से हम पानी निकालने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में आप दिल्ली में देख लीजिए समर सीवर वगैरह लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है जल्दी खत्म होने के कगार पर आ गया है। वनस्पति आवरण वर्षा जल के प्रभाव को बाधित करता है और इसे जमीन में रिसने के लिए भी मजबूर करता है, यानी कि वेजिटेशन जो है वो क्या करता है कि जितनी ज्यादा वनस्पति लगाएंगे उतना जल का प्रभाव जो है बाधित होता है और इसे जमीन में रिसने के लिए मजबूर करता है। मनुष्य ने लाखों नलकूप खोदे हैं और भूजल के जलाशयों को समाप्त कर दिया, जो मैं अभी आपको बात कर रही थी कि जो है हमने इतने ज्यादा वो जो कहते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह हमने लगा लिए हैं, साथ ही साथ हमने समरसिबल लगा लिए हैं घरों में, जिसकी वजह से जो है हम धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर है उसको हम खत्म करते जा रहे हैं, जो भी ड्रॉट का रीजन बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट है ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से होते हैं, तो देर इज अ मेजर रीजन दैट लाइज बिटवीन साउथ राजस्थान एंड तमिलनाडु, इट इंक्लूड्स वेस्ट साउथ राजस्थान एंड तमिलनाडु, आप कह सकते हैं तमिलनाडु हो गया या फिर आपका राजस्थान हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैंने हिंदू में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया, स्टेट नहीं एक सिटी है आई थिंक, वहां पर ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया, अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी पिछले हफ्ते की बात है मैंने जब वो पढ़ा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर जिसको भी याद आए प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं साउथ का कोई स्टेट है या फिर उसका कोई सिटी है जहां पर जो है ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इट इंक्लूड्स एरिया वेस्ट मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका देखो राजस्थान तो आप सभी को पता है, उसके अलावा वेस्ट मध्य प्रदेश हो गया, सेंट्रल महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो गया, इन जो राज्यों में है सूखे की समस्या होती रहती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी इन मॉनसून रेनफॉल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन राजस्थान एंड गुजरात आर जनरली अफेक्टेड बाय ड्रॉट, ये राजस्थान और गुजरात में ये समस्या चलती ही रहती है। आउट ऑफ 953 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, मतलब ये जिस भी बुक में छपाई हुई थी उस टाइम की, उस टाइम का रिकॉर्ड है, तो इसको अभी फिलहाल आप ऑफिशियल मत लेना, मतलब उस टाइम का बता रही हूँ कि 593 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में थे उनमें से 193 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो सीवियरली ड्रॉट से प्रभावित थे, और इन 2003 मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस ड्रॉट फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, और 2003 में राजस्थान का जो एरिया है वहां पे चौथे साल तक लगातार वो ड्रॉट से प्रभावित रहा था। तो ये 2003 के आसपास की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको अभी आप कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये एक जनरल आपको आइडिया देने के लिए है कि जो सूखे की समस्या है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद बात करेंगे मेजर्स टू कॉप विद ड्रॉट, यानी कि हम सूखे से किस तरह से निपट सकते हैं उसकी बात करेंगे। शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कृषि विधियां, देखो एक तो ये होता है कि अनसाइंटिफिक जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी वजह से भी जो सूखे की समस्याएं हैं बढ़ रही हैं, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम कृषि जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम ध्यान रखकर करें,
हम किस किस विधि को अपनाएं कि सूखा जो है कम हो सके। मोटे और कठोर अनाज का उत्पादन करना चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए, छोटे बांधों के पीछे पानी जमा करके, तालाबों और टैंकों में पानी इकट्ठा करके, सिंचाई के लिए स्प्रिंकल्स होते हैं ना, ऐसे लगा दिए जाते हैं, उसमें से पानी ऐसे स्प्रिंकल होता है। एंड डायरेक्ट अगर हम इरिगेशन करते हैं या फिर सिंचाई करते हैं उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, तो स्प्रिंकल सिस्टम जो है उसमें उतना ही पानी लगता है जितना फसल को चाहिए होता है। तो इससे क्या होगा, हम वाटर को सेव कर सकते हैं और सूखे की जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं। सूखा प्रतिरोधी फसलों की बुवाई को हमें कम करना होगा। कपास, मूंग, बाजरा, गेहूं आदि की सूखा प्रतिरोधी फसलों की बुवाई से सूखे के प्रभाव को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है वर्षा संचयन, जल संचयन यानी कि जो भी रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करना। वर्षा की एक एक बूंद आप संग्रह करके रखिए, चाहे आप घर में बाल्टियों का प्रयोग किए या फिर आप रिजर्वर्स बना लीजिए जहां पर पानी इकट्ठा हो सके। छत के पानी को भी एक सिस्टम बना लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम, की छत का पानी इकट्ठा होके भी वो कहीं ना कहीं किसी जलाशय के अंदर आए। इसका प्रयोग जो है आपका टॉयलेट में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसका प्रयोग जो है पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ धोने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमें फसल भी ऐसी उगानी चाहिए जिसमें कम पानी लगता है। मतलब एक तो होता है कि हम अपने लाइवलीहुड के लिए कमाते हैं, अगर हम क्रॉप इस थोड़ा सा उसके लिए कमर्शियल भी कर रहे हैं तो वो इस तरह से करें कि जो फसल जिसमें कम पानी लगता हो। बेसिकली जो जैसे चावल है, चावल बहुत पानी चाहिए होता है, तो चावल की उत्पादन हम वहीं करें जहां पर अच्छा रेनफॉल है, ना कि हम वहां पर जहां पर सूखे की समस्या है। फिर भी आप चावल वहां पर उगाएंगे तो उससे प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी मेजर करनी चाहिए, थोड़ा किसानों को हेल्प करनी चाहिए इस चीज में। By making the high bounds around the fields, adoption of terrace cultivation, खेतों के चारों ओर ऊंची मेंड बनाकर, छत पर खेती को अपनाकर, खेतों की मेंडों पर पेड़ लगाकर वर्षा जल का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई नहरों को मोटर और ईंटों से बांधकर भी पानी का संरक्षण हम कर सकते हैं। Water can be conserved by tamming and irrigation canals with the mortar and bricks. ड्रिप सिंचाई पद्धति यानी कि वाटर कैन इरिगेट कंपेरेटिवली लार्जर एरिया बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन मेथड। मैंने बताई आपको कि ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है ज्यादा यूजफुल होता है, बजाय कि आप जो कंप्लीट इरिगेशन यूज करते हैं, डायरेक्ट आप ट्यूबवेल से पानी डालते रहते हैं, उससे क्या होता है कि मोस्टली पानी जो आपका वेस्ट हो जाता है और फसल मान लीजिए कम पानी वाली है, फिर आप ट्यूबवेल चला देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। सो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम सूखे से निपट सकते हैं। तो फ्लड और सूखे को आज हमने कवर कर लिया है ना। वैसे तो सभी को पता होता है लेकिन थोड़ी थोड़ी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई सूखे में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, ड्रॉट में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार स्टेटमेंट में आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट हो सकते हैं और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट पार्ट होगी आपके नेचुरल कैलामिटीज की, उसके बाद एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।